महोदय प्रदेश के अंदर जहां तक माननीय सदस्य माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो बातें यहां पे कही गई हैं, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि वे हर मुद्दे को ये बताने का प्रयास करते हैं कि तो समाजवादियों ने किया है। वैसे समाजवादियों के कारनामे तो लोग अब तक भूले नहीं हैं प्रदेश में, और मुझे लगता है कि हाँ जग जाहिर है तो हर व्यक्ति जानता है और कैसे कैसे ये लोग खेल खेलते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, किस किस प्रकार की कारनामे होते थे। अक्सर होता है हमारे नेता विरोधी दल चुनाव के पूर्व उनको कोई इंटरव्यू देना होता तो एक सेंटर में आते हैं, जाने का प्रयास करते हैं। प्रदेश के अंदर सत्ता प्रायोजित डकैती के सबसे अच्छे उदाहरण हो सकते हैं और किस रूप में हो सकते हैं, उनमें से एक सेंटर है जेपीएन आईसी। महोदय इसका जो मूल जो डीपीआर है वह केवल 265 करोड़ रुपए का यह आंका गया था, और 265 करोड़ रुपए के डीपीआर के बाद इस पे 821 करोड़ खर्च हो गया तब भी पूरा नहीं हो पाया। एक उदाहरण है, यह 6 साल से सरकार आई है लेकिन 6 साल से पहले आप क्या कर रहे थे 5 साल? उससे पहले क्या कर रहे थे? गोमती रिवर फ्रंट। महोदय गोमती रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट की स्थिति, जो पीपीआर बना था 167 करोड़ का, बाद में फिर डीपीआर 346 करोड़ या समथिंग कुछ और इन्होंने आगे पीछे किया, फिर 2015 में इसको बढ़ा करके लोग लेके गए 656 करोड़ का, फिर जून 16 में इसी योजना को इसी डीपीआर की जो रिवाइज एस्टिमेट जो इन्होंने प्रस्तुत किया कैबिनेट से पास किया वह 1513 करोड़ का, और महोदय 1437 करोड़ खर्च करने के बाद भी कार्य अधूरा का अधूरा पड़ा रहा। इसमें हमें आश्चर्य होता है अनियमितता किस हद तक की। इसमें पीएसी का गठन किया गया, सीबीआई और ईडी के द्वारा भी इसमें जांच की जा रही है, और जब इसमें हम लोग विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचे तो अनियमितताएं जैसे डाइफाम वाल कार्यों को बिना अनुमोदित ड्राइंग कराना, स्लज रिमूवल के में अनियमितता, 141 अनुबंधों में अनुबंधित धनराशि से अधिक का भुगतान किया जाना, विजन डॉक्यूमेंट के कार्य को बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति के विस्तार कर भुगतान किया जाना, डायफाम वाल के प्लेटफॉर्म के काम को पूर्ण होने के बाद भी अतिरिक्त 4 फर्जी अनुबंध गठित किया जाना, इंटरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन में निर्धारित रीच से अधिक रीच में कार्य कराई जाना भी, ये सभी चीजें इसमें थी। यानी ये किस हद तक कार्य करते थे, कारनामे प्रदेश की जनता भूली नहीं है।